तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों आप अपना YouTube चैनल को वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों किसी को पता नहीं रहता है कि दोस्तों अपना YouTube चैनल को कैसे वेरीफाई करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा YT स्टूडियो एप्लीकेशन है। तो चलिए यहाँ पर ओपन करके आपको मैं बताऊँगा कि कैसे चैनल को वेरीफाई किया जाता है। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक जो नया चैनल है यहाँ पर अभी क्रिएट किया हूँ। तो दोस्तों आपको बताने के लिए इस चैनल को मैं वेरीफाई करूँगा। तो यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं है और कुछ भी यहाँ पर सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो इसको मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि डैशबोर्ड, उसके बाद में कंटेंट एनालिस्टिक कमेंट, उसके बाद में लास्ट में आपको मिल जाता है मोनेटाइज। तो दोस्तों चैनल को आपको अगर वेरीफाई करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर आप साइन देख सकते हो, यहाँ पर मोनेटाइज का जो ऑप्शन है सिंपली दोस्तों इसको आपको क्लिक कर देना है। तो ऊपर में दोस्तों शो हो जाएगा ग्रो विथ यूट्यूब। तो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू ज्वाइन, यहाँ पर आपको 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद 4000 वॉच टाइम की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर नो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, यानी कि अभी मैं चैनल ओपन किया हूँ तो कुछ भी स्ट्राइक आया नहीं है। तो उसके बाद में नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर टू स्टेप वेरीफाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक है। तो दोस्तों इसी को हम लोग को क्या करना है, ऑन करना है, यानी कि जो टू स्टेप वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे टू स्टेप वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है, जब टू स्टेप वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर टर्न ऑन, सिंपली दोस्तों इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले दोस्तों आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड देना होगा। तो ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं दूसरा ईमेल यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो मैं जो ईमेल से जो चैनल ओपन किया हूँ सबसे पहले दोस्तों आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से मैं चैनल यानी कि ईमेल आईडी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मेरा जो ईमेल आईडी है, तो यहाँ पर मैं अपना जो ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ऊपर में मेरा ईमेल आईडी शो हो गया है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग को क्या करना है, ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पर आपको देना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट अपना जो ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है यहाँ फाइनली मैं डाल चुका हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेते हैं, प्रोसेसिंग चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हैं टू स्टेप वेरीफाई। तो यहाँ पर आप नीचे में आपको आना होगा, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा जिससे कि OTP आएगा और वो आपका जो ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो मोबाइल नंबर दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि टेक्स्ट मैसेज, उसके बाद में फोन कॉल, यानी कि आप OTP को मतलब मैसेज में लेना चाहते हो या फ़ोन कॉल में। तो मैं सिंपली यहां से मैं टेक्स्ट मैसेज में जाता हूं, उसके बाद मैं यहां पर सेंड कर देता हूं। तो यहां सेंड में कर दिया हूं। तो यहां पर आपको यहां पर शो हो चुका है, देख सकते हैं यहां पर सेंड हो चुका है, ऊपर में मैसेज भी आ चुका है OTP। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैसेज है उसका OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके मैं डाल देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर दे दिया हूँ अपना OTP। तो दोस्तों अगर आपका OTP जो है वो गलत हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर रीसेंड पर भी आप क्लिक कर सकते हैं दोबारा OTP मांगने के लिए। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है आपका OTP को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट का बटन है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टर्न ऑन टू स्टेप वेरीफाई। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी भी आ चुका है, उसके बाद में आपका कौन सा मोबाइल है उसको भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा रियलमी मोबाइल है, तो यहाँ पर रियलमी आ चुका है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइनली आपको यहाँ पर टर्न ऑन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है।
तो आपका जो YouTube चैनल यानी कि ईमेल आईडी वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर फिर से आपको YT स्टूडियो में लेके आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुका है। उसके बाद में 2 स्टेप वेरीफाई भी हो चुका है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आपको बहुत आसान तरीका से मैं आपको बताया है कि कैसे आपका ईमेल आईडी यानी कि आपका जो YouTube चैनल को 2 स्टेप वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।